एक राजा थे, उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने अपने बच्चे की शादी की एक राजा की राजकुमारी से, वो लड़का शादी करके लाया। और पहले का ये नियम था कि लड़के की नई शादी होती थी तो उसके लिए एक पर्सनल महल तैयार किया जाता था। तो राजा ने देखा कि मेरे लड़के की शादी हुई है, मेरा लाला और बहू दोनों नए महल में रुकेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक नया महल अपने लाला और बहू के लिए तैयार कराया। पहली रात उस लड़का और बहू को उस कमरे में शयन के लिए बोला, भैया आधी रात्रि का समय बीता, लड़के को तो नींद आ गई लेकिन उस लड़की को नींद। अक्सर कर ये होता है कि लड़कियां कहीं नई जगह पर जाती हैं तो दो चार दिन उन्हें नींद नहीं आती है। तो राजा का बेटा जो था राजकुमार वो तो सो गया, लेकिन उसकी रानी, उसकी पत्नी जो नवेली बहू आई है, उसे नींद नहीं आई। अब वो पलंग पर लेटी तो है, लेटी लेटी सोच रही है, क्या देखा कि दीवार के चारों ओर दीवार पर तलवारें टंगी हुई है, म्यान में तलवारें टंगी हुई है। भैया तलवारें देखी तो उठ करके बैठ गई, सोचने लगी ऐसा करती हूं इन म्यान से, इस म्यान से तलवारें निकाल कर देखती हूं ये तलवारें नई हैं या फिर पुरानी हैं। और जैसे ही उसने म्यान से तलवार निकाली और तैसे ही वो तलवार उसके हाथ से जैसे ही उसने तलवार म्यान से निकाली तो तलवार हाथ से छूट गई। तलवार हाथ से छूटी और जाकर उसके पति की गर्दन में लग गई। पति जो था वो खत्म हो गया। अब वो पति की लाश पर रोने लगी। पहले का ये नियम था कि सुबह के समय बांधी बहू को जगाने आया करती थी। बांधी आई तो बांधी ने क्या देखा, प्यारे बांधी ने क्या देखा कि कमरे से बाहर खून बह रहा है। जैसे ही खून बहते देखा बांधी भाग खड़ी हुई, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। राजा बोले क्या हुआ, अरे महाराज नवेली बहू के महलों से कमरे से रक्त की धारा बह रही है, खून बह रहा है। राजा ने एकदम से सिपाहियों में धावा बोल दिया और मन उस महल को चारों तरफ से गिरवा लिया। कमरे का गेट खुलवाया। राजा पूछने लगा उस बहू से, क्या तुमने मेरे बेटे को मारा। बहू रो करके बोली, साहब मैं क्यों मारूंगी, मेरा तो पति है। बोले फिर किसने वाला मारा। बोले नहीं मालूम। बोले किसी को तूने देखा। बोले नहीं। बोले कोई आवाज सुनाई दी। बोले हाँ। बोले क्या आवाज आई। बोले आवाज सुनाई दी एक घंटे की। किसकी, एक घंटे की।
बहन सलोनी जी की ओर से ये एक कृष्णा की प्रतिमा हमारे लिए और एक हमारी बहन अनीता जी के लिए भी उनकी दादी दादी जी आपकी दादी जी की ओर से बैठ हुए हैं। प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु दादी को अंत समय वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, 84 लाख की नौ मुक्त हो, श्री हरि चरण रज में लुप्त हो, भगवान से ही प्रार्थना है। हमारी बहन माता पिता का नाम रोशन करती है, नक्षत्र मांगे भाग भरते रहे, प्रभु कृपा बरसाते रहे। श्रीमान श्री तपेश जी की धर्मपत्नी की ओर से इसी गांव से ये एक जोड़ी वस्त्र हैं हमारे लिए, एक सूट है और साथ साथ में एक माल्या है, समस्त स्टाफ के लिए 51 मुद्राएं हैं और 501 मुद्राएं भंडारे के लिए सहयोग राशि भेंट की है। बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार, धर्म क्षेत्र में आगे भाग बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बरसाते रहे, माता लक्ष्मी दाई निवास करती रहा सब। बोलिए सनातन धर्म की बहू ने कहा कि मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी। अब तो राजा के अंदर ये बैठ गया, इसका मतलब ये है कि मेरे बेटे को पुजारी ने मारा है। श्रीमान श्री लेखराज सिंह जी की बेटी बहन दुर्गेश की ओर से 101 मुद्राएं हरी पटका मुझे भेंट हुआ है। हमारी बहन अनीता जी के लिए भी एक हरी पटका भेंट हुआ है और 100 मुद्राएं वह समस्त स्टाफ के लिए भी भेंट कर रही हैं। श्रीमान श्री रामोतार जी की धर्मपत्नी श्रीमती जयमाला देवी हमारी माता तुल्य हैं, ये 201 मुद्राएं से मुझे भेंट कर रही हैं। अलाउद्दीन की माता जी की ओर से 101 मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत आभार माता जी का। और इसी के बीच में महाराज